ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है गणेश एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आज के मीन राशि फल के बारे में। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। कुछ ऐसी बातें या चीजें सामने आ सकती हैं जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देंगी। किसी कठिन मामले को सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। कार्य क्षेत्र में जान पहचान के लोग मददगार रहेंगे। नया सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं, जिनसे आप काफी खुश रहेंगे। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपको संतुलित रखना होगा। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत और समझदारी के साथ आप कुछ ऐसे काम निपटा सकते हैं जो जोखिम भरे हैं। कोई बड़ी टेंशन भी खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप कागजी काम निपटाने पर भी ध्यान दें। कुछ कागज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या हो सकते हैं। घूमने फिरने के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। दोस्तों आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। विरोधी पक्ष आपको हानि पहुंचा सकता है। अधिक दूरी की यात्राएं भी आज शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकती हैं। आज चल अचल संपत्ति के प्रयास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज कामकाज के बोझ की अधिकता रहेगी। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय के बारे में आज कोई चिंता करने की बात नहीं है। व्यवसाय में अधिक लाभ होगा और धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कई प्रकार की खुशियां मिलेंगी और तमाम प्रकार के लाभ भी होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत और परिश्रम भरा समय रहेगा। विद्यार्थियों का समय विद्या अध्ययन में गुजरेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। यदि उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं और काफी समय से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो उन रिश्तों को भूल जाना ही बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़े, जल्दी कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार की। दोस्तों घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार में किसी के रिश्ते की बात भी हो सकती है, साथ ही कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। किसी नए मित्र से मुलाकात संभव है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों का सहयोग करें। जीवन साथी का सम्मान करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आज स्वास्थ्य संबंधित समस्या, सरदर्द या मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। अपने आप को और अधिक स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और व्यायाम करें, स्वस्थ रहें।